हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में कॉलम से रिलेटेड सारे थ्योरी डिस्कस कर लिए थे। अब आज वाले क्लास में हम लोग कॉलम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे और आपका कॉलम वाला पार्ट जो होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम्प्लीट हो जाएगा। अब हम लोग कॉलम में जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। वैसे तो कॉलम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं क्योंकि आपको सिलेंडर कॉलम का मूवमेंट होगा, आपको नॉर्मल शॉर्ट कॉलम में मूवमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बट आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट कॉलम और उसमें भी मूवमेंट कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ एक्सियल लोड कंसिडर करना है मिनिमम एसेंट्रिसिटी के साथ। तो इसमें हम लोग आपको दो फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो सारा फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल होगा आज वाले क्लास में। इसमें आपको सिर्फ एक चेंज हम लोग नहीं एक चीज नहीं बताए थे, वो था आपको हेलिकल रेनफोर्समेंट जब आप करेंगे तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा। जब आपका टाइड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जब आपका टाइड नहीं होकर हेलिकल होगा तो उस केस में उसके फॉर्मूला जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे टाइड का, उसमें 1.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.05 आपको फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना है आपके नॉर्मल कॉलम जो शॉर्ट कॉलम का जो हम लोग फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वहां पर आपको ये वाला टॉपिक डिस्कस कर देंगे। अब हम लोगों को टोटल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स हो सकता है वो चार टाइप से आ सकता है। दो डिजाइन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो लोड निकालने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिजाइन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन में हो सकता है जिसमें आपको कॉलम का साइज पहले ही बता देगा, और एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको कॉलम का साइज भी निकालना पड़ेगा। कॉलम का साइज भी नहीं बताएगा, सिर्फ आपको लोड बता देगा, कॉन्क्रीट बता देगा और आपको स्टील का ग्रेड बता देगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको डिजाइन के क्वेश्चन में से। अब डिजाइन का क्वेश्चन जो होगा वो आपको सिर्फ टाइड रेनफोर्समेंट के लिए आएगा, जो आपका टाइड स्टीरअप्स होता है सिर्फ उसके लिए आएगा। हेलिकल के लिए आपको डिजाइन का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो आपको बहुत टफ हो जाता है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उसके लिए आपको IS 456 का रिक्वायरमेंट होता है। तो डिजाइन का क्वेश्चन सिर्फ टाइड स्टीरअप्स के लिए आएगा और उसमें दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक कॉलम के साइज दिया हुआ, एक कॉलम का साइज नहीं दिया हुआ। कॉलम का साइज दे देगा तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अगर कॉलम का साइज नहीं देगा तो उसको भी आपको निकालना पड़ता है, उसमें आपका एजम्पशन आता है। तो हम लोग वो सारी चीजें जो है वो आज दो न्यूमेरिकल जो डिजाइन का करेंगे ये दोनों टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आपका दोनों टाइप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दो क्वेश्चन आ सकता है आपको लोड निकालने का, कि एक कॉलम है उसका पार्टिकुलर साइज है, उसका समथिंग समथिंग उसका कंडीशन है और उसके ऊपर कितना लोड वो कैरी कर सकता है। इसमें आपको एंड कंडीशंस बता सकता है कि कॉलम का दोनों एंड फिक्स्ड है या दोनों एंड पिंड है, या नहीं तो आपको डायरेक्टली इफेक्टिव लेंथ क्वेश्चन में ही दे देगा। चांसेस है कि आपको इफेक्टिव लेंथ ही क्वेश्चन में दे देगा, क्योंकि अगर आपको देगा कि दोनों एंड्स अगर आपके पिंड है तो आपको वो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जो आप अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख के जाएंगे कि अगर आपका दोनों एंड पिंड है तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो 1L हो जाता है। तो ये 1L आपको वहां यूज करना है या 0.65L यूज करना है, इसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा जो हम लोग PU का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला मतलब एक ही टाइप का फॉर्मूला डिस्कस किए थे लोड निकालने का। डिजाइन का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि डिजाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम का साइज निकालना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉलम में साइज निकाल सकते हैं, फिर आप स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार और ट्रांसवर्स बार। तो इन सारे के लिए आपको IS कोड के क्लॉजेस हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं, तो इसलिए आपको इसमें एज सच डिजाइन में कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। एक ही फॉर्मूला आपके पूरे कॉलम में आपके काम आएगा, जो आपका शॉर्ट कॉलम से रिलेटेड आपका फॉर्मूला है PU वाला, और दूसरा एसेंट्रिसिटी के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा L/500 + D/30। बस इस दो फॉर्मूला के अलावा आपको और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसको कब कैसे यूज करना है ये आपको न्यूमेरिकल के टाइप्स में चेंज होते चला जाएगा। तो हम लोग चारों टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। लोड निकालने में दो टाइप होगा, एक टाइड स्टीरअप के लिए, एक आपका हेलिकल स्टीरअप के लिए। दोनों के हिसाब से हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला क्वेश्चन करेंगे और दो डिजाइन करेंगे जिसमें एक में साइज दिया होगा, एक में साइज नहीं दिया होगा। ये चार टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं डायरेक्टली। डिजाइन शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 mm by 550 mm यूजिंग M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 kN अंडर सर्विस लोड्स। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.1 meter। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यहाँ कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.1 meter, मतलब आपको अब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। अदरवाइज यहाँ पे कंडीशन दिया रहता कि एक तरफ से आपको दूसरा कंडीशन है, दूसरी तरफ से दूसरा कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ता। मेरे हिसाब से आपको इफेक्टिव लेंथ दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ आपको दे दिया 3.1। एक चीज वो कह रहा है कि एक्सियल लोड है 1500 का मगर सर्विस लोड के अंदर में। सर्विस लोड किसको कहते हैं, जो आपका वर्किंग लोड होता है। डिजाइन लोड किसको कहते हैं, जो आपका फैक्टर्ड लोड होता है। तो जब सर्विस लोड दिया है तो आप फॉर्मूला में PU यूज करते हैं, मतलब फैक्टर्ड लोड का फॉर्मूला होता है। तो आप अभी इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फैक्टर्ड लोड मिल जाएगा आपको। उसके बाद कह रहा है साइज दिया हुआ है M20 Fe 415 दिया हुआ है, कह रहा है डिजाइन है शॉर्ट कॉलम।
अब डिजाइन है शॉर्ट कॉलम का मतलब है, पहले हम लोग डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, हम लोग पहले इंश्योर करेंगे कि ये आपका शॉर्ट कॉलम हो रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे, देखेंगे कि ई मैक्स इसेंट्रिसिटी से ज्यादा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट कॉलम है। वहां पर हम लोगों को फॉर्मूला पता चल जाएगा कि अगर इसेंट्रिसिटी जीरो आया तो प्योर एक्सियल का केस लेंगे, इसेंट्रिसिटी जीरो नहीं आया तो हम लोग फिर लेंगे जो हम लोगों का इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद हम लोग पहले निकालेंगे अपना एएससी जो हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट चाहिए। डिजाइन है और कॉलम का साइज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ स्टील निकालना है, तो पहले लॉन्गिट्यूडनल बार निकालेंगे कॉलम का, उसके बाद ट्रांसवर्स बार निकालेंगे, टाइज निकालेंगे। तो पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार निकाल लेंगे फॉर्मूला से, उसके बाद हम लोग टाइज का जो आई स्क्वायर से स्पेसिफिकेशन है और स्पेसिंग देखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल हम लोगों का वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग हमेशा करते हैं कि गिवन कंडीशंस हम लोग हमेशा लिखेंगे, बहुत सारा फायदा होता है गिवन कंडीशंस का, इसलिए क्वेश्चन में से डेटा को है वो यहाँ उतार देना चाहिए। अब हम लोगों को साइज दिया 400x550, हम लोग जिसको भी स्मॉलर मान रहे हैं, हम लोग क्योंकि डी से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हर जगह हम लोग शॉर्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन को डी रखते हैं, तो हम लोग बी से लेंगे आपको बड़ा वाला जो साइज है 550 mm और डी लेंगे हम लोग 400 mm, तो क्योंकि हम लोगों का डी जो है वो हम लोगों का लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको M20 दे रहा है, Fe415 दे रहा है और आपको P दे रहा है 1500 kN और L इफेक्टिव आपको दे रहा है 3.1 meter। तो सबसे पहले आपको P दिया है तो आप PU निकालेंगे, PU is equal to 1.5 into P is equal to 1.5 into 1500 kN is equal to 2250 kN, ठीक है। न्यूटन में अगर लिखना चाहेंगे तो यहीं पे लिख दीजिएगा 2250 × 10⁻³ N। इसके बाद ये केस हो गया। अब हम लोग सबसे पहला स्टेप हम लोगों का होगा कि हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को शॉर्ट कॉलम चेक करना है। अब कॉलम क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर है, बी अलग डायमेंशन है, डी अलग डायमेंशन है, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो दोनों ही डायरेक्शन के लिए चेक कर लेंगे। हम लोगों को पता है कि शॉर्ट वाले से जब करेंगे तो शॉर्ट वाला आपको अगर सेफ हो गया तो लॉन्ग वाला भी सेफ हो जाएगा, बट बेहतर रहेगा कि जब आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे तो वो आपको होता है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, डी। उसके बाद आप निकाल लीजिए एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी, इससे क्या होगा आपको स्लेंडरनेस रेशियो एक्स का और स्लेंडरनेस रेशियो वाई का दोनों आपको चेक हो जाएगा। तो एल इफेक्टिव कितना है, मीटर में 3.1 था, आप इसको लिख सकते हैं, सारे यूनिट्स को अगर आप चाहें तो पहले ही चेंज कर सकते हैं, किलो न्यूटन था, इसको इंटू 10³ कर दीजिएगा तो ये आपको न्यूटन में आ जाएगा, या इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1500 × 10³ N। सारी चीजों को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब L इफेक्टिव है ये 3100 डिवाइडेड बाय D है आपका 400, ये आपका कितना आ जा रहा है 7.75, दिस इज लेस देन 12। दूसरा L इफेक्टिव बाय B, 3100 डिवाइडेड बाय B है आपका 550, तो ये आ जाएगा आपको 3100 डिवाइडेड बाय 550 5.63, ये भी लेस देन 12 है, तो सिंस both the values are less than 12, therefore the column can be designed as short column। ये सारी चीजें आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए beneficial होता है, ठीक है। अब आपको short column हो गया, ये आपका clear हो गया। दूसरा चीज आप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप अब आप चेक करते हैं कि इसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है, तो आप यहां लिखेंगे अब इसेंट्रिसिटी, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब इसेंट्रिसिटी में आप क्या करते हैं, पहले ई मिनिमम चेक करते हैं, उसके बाद ई मैक्सिमम चेक करते हैं, और इसके बीच आप देखते हैं कि अगर आपका ई मिनिमम जो है वो आपका मैक्सिमम से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कॉलम जो है वो एक्सियल लोड कंडीशन के लिए डिजाइन किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला, अब आपके पास सेम दो साइज है, इसका मतलब है कि आप ई एक्स निकालेंगे मिनिमम और ई वाई भी निकालेंगे मिनिमम। तो ई एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा, एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 या फिर 20 mm, ये तो रहता ही है कंडीशन, और इसमें आ जाएगा एल बाई 500 प्लस बी बाई 30, ठीक है। तो एल बाई एल क्या है 3100 डिवाइडेड बाई 500 प्लस डी है आपका 400 डिवाइडेड बाई 30, और यहां पे आ जाएगा आपको एल होगा 3100 डिवाइडेड बाई 500 प्लस बी है आपको 550 डिवाइडेड बाई 30, ये आ रहा है 19.53। तो जब 19.53 आ रहा है और मैं आपका क्या है 20 mm,
ग्रेटर लेते हैं तो इसलिए ये कितना आ गया आपका 20 mm, ठीक है। ई मिनिमम आपको x डायरेक्शन में आ गया 20 mm, अब इसमें कितना आ रहा है, 24.53, और इसमें और में क्या आ रहा था 20, तो इसका मतलब है कि इसमें कितना निकल गया, ये हो गया ई एक्स मिनिमम, ये हो गया ई वाई मिनिमम इज इक्वल टू 24.53। अब आपको ई वाई में आपका 24.53 और 20 mm आ रहा है, इसका मतलब 24.53 आपका इसेंट्रिसिटी हो गया और ये आपको 20 mm आपका इधर का इसेंट्रिसिटी हो गया। अब आपका जो लीस्ट ई मैक्सिमम होता है ये क्या होता है, 0.05 इंटू लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये कितना होगा 400, तो ये आ रहा है 0.05 इंटू 400, तो ये आ रहा है आपका 20 mm, तो ये हो गया आपको ई मैक्स एक्स का। और जब आप ई मैक्स वाई का निकालिएगा तो 0.05 ऑफ उस साइड का डायमेंशन से निकलेगा तो 550, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 550, ये आ रहा है 27.5 mm। अब ई मैक्स आपका x डायरेक्शन में 20 mm है और आपको ई मिनिमम भी जो है वो 20 mm है, इसका मतलब है कि ये इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं आया है, इसका मतलब है कि दिस ई मैक्स इज इक्वल टू ई मिनिमम, देयरफॉर ओके। और यहाँ पे 27.5 है, ये आपको ग्रेटर आ रहा है 24.53 से, तो यहां पे आप लिखेंगे कि सिंस इसेंट्रिसिटी इन बोथ द डायरेक्शंस does not exceeds E max, therefore the column can be designed as axially loaded short column. शॉर्ट कॉलम दोनों निकाल ही चुके थे और अब आपको इसेंट्रिसिटी वाले स्टेप से आपको एक्सियली लोडेड भी आपका ये कंफर्म हो गया। पहला वाला स्टेप स्लेंडरनेस रेशियो से शॉर्ट कॉलम कंफर्म कर लिए, सेकंड वाले स्टेप से आप एक्सियली लोडेड कर लिए। अगर ई मैक्स आपका किसी भी एक इसेंट्रिसिटी से अगर आपका कम आ जाता तो उस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाता, मोमेंट आ जाता तो फिर आपका वो न्यूमेरिकल नहीं होता। फिर चाहे तो अगर एग्जाम में इनकेस ऐसा आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि सिंस मोमेंट इज, मतलब इसमें मोमेंट आ रहा है तो आपको मोमेंट वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसको आप लिख देंगे कि therefore this will be designed for extra moment, other मतलब load के अलावा आपको extra moment के लिए design होगा, ठीक है। तो ये चीज अब आपको नहीं करना है, आपको अभी फिलहाल आपका क्या आ रहा है कि जो E max है वो y direction में 27.5 है और x direction में 20 है, तो x direction में minimum भी आपका 20 है और y direction में तो थोड़ा कम ही है आपका, तो इसलिए आपका ये condition जो है आपका satisfy हो गया। E minimum आपको E max से या तो कम आना चाहिए या equal आना चाहिए, greater नहीं हो सकता है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है और ये ग्रेटर नहीं हो सकता है मैक्सिमम से। अगर ग्रेटर हुआ इसका मतलब है इसेंट्रिसिटी ही बहुत ज्यादा है, इसेंट्रिसिटी ज्यादा है इसका मतलब मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा तो दूसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका दूसरा स्टेप भी जो है ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको थर्ड स्टेप होगा कि आपको जब एक्सियली लोडेड अब आपको निकालना है तो एक्सियली लोडेड में आपको फॉर्मूला पता है कि दो फॉर्मूला होता है, प्योर एक्सियल वाला और एक्सियल विद इसेंट्रिसिटी वाला। अब क्योंकि इसमें इसेंट्रिसिटी आपका ई मिनिमम जीरो नहीं आया मतलब इसेंट्रिसिटी है, एक साइड से 20 है एक साइड से 24.53 है, इसका मतलब है कि आप प्योर एक्सियल वाला फॉर्मूला नहीं लेके चलिएगा। तो जब प्योर एक्सियल वाला फॉर्मूला नहीं लेके चलिएगा तो आपको एक्सियली लोडेड विद इसेंट्रिसिटी के लिए जो फॉर्मूला था वो था 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी, यही वाला फॉर्मूला था। अब इसमें आपको पी यू पता है, एफ सी के पता है, एफ वाई पता है, ए सी और ए एस सी दोनों नहीं पता है। तो AC को तो पता करने का हम लोग पास ऑप्शन है क्योंकि AC हम लोग जानते हैं कि यह अगर आपका एक कॉलम है, इस कॉलम में आप जितना भी स्टील प्रोवाइड करेंगे उसका एरिया जब आप टोटल ग्रॉस एरिया से माइनस कर देंगे AC इज इक्वल टू AG माइनस AC होता है, तो आप यहाँ पे AC की जगह पे AG माइनस AC रख दीजिए तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा PU इज इक्वल टू 0.4 FC के AG माइनस AC प्लस 0.67 FY AC। इसको आप इस तरह से ही हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि PU इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस पॉइंट सॉरी ये हाँ 0.4 एफ सी के इंटू ए सी, हम लोग जब कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम लोग ए सी कॉमन ले लिए तो ये वाला आपको फॉर्मूला आया था।
अब आपके केस में ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किए थे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपका इनकेस प्योर एक्सियल होता तो यहाँ 0.446 हो जाता, यहाँ 0.75 हो जाता। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें एसी आ रहा है ये याद रखिए, एसी का वैल्यू में आप ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, ये पुट करने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखने का झंझट नहीं रहेगा, सिर्फ इस फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को सारी चीजें पता है, एफसी के पता है, एजी पता है, एफवाई पता है, एफसी के पता है, एसी नहीं पता है तो पीयू पता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2250 × 10⁻³ = 0.4 × FCK20 लिए थे हम लोग, हाँ 20 × AG है आपको 400/550, ये एक टर्म हो गया, प्लस आपको यहाँ 0.67 × 415 − 0.4 × 20, अब ब्रैकेट के बाहर आपका ASC। अब इस सारे टर्म का वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 0.4 × 20 × 400 × 550, ये आ रहा है 176 और 4 × 0, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2250 × 0.0 − 176 × 0.0 = अब ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आ रहा है 0.67 × 415 − 0.4 × 20, ये आ रहा है 270.05 AC। अब आप इससे AC निकाल सकते हैं, AC = ये वाला वैल्यू, ये आएगा आपको 49,000 / 270.05। तो AC आपका ये क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड। आप जब भी निकाल रहे हैं मतलब आपको कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो ये कैलकुलेशन सॉल्व हो रहा है, तो रिक्वायरमेंट आपका आ रहा है 49,000 / 270.05, ये आ रहा है 1814.47 mm². ये रेनफोर्समेंट आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है, तो आपका कॉलम जो होगा वो इस लोड को फैक्टर्ड लोड करके आपको बियर कर पाएगा, अदरवाइज आपका कॉलम ये जो आप प्रोवाइड किए हैं ये आपका 550 है और ये वाला साइड आपका 400 है, ये वाला कॉलम आपका अदरवाइज फेल कर जाएगा। तो ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब ASC रिक्वायर्ड जब आपका आ गया, अब आपको यहाँ पे समझना होता है कि आप ASC प्रोवाइडेड आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, आपको ये साइज का इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे आ जाता है। आप पढ़े हैं, अभी हम साइड में लिख रहे हैं, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है कॉपी में, ये आपके लिए जैसे मैक्सिमम स्पेसिंग आप पढ़े थे कि कॉलम में 300 mm हो सकता है दो बार के बीच में। ठीक है, एक तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये सेटिस्फाई करने के लिए आपको, जैसे आप ये कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, कवर आप एज्यूम कर लीजिए पहले, कवर आपको पता है कि 40 mm हम लोग कॉलम में लेते हैं और रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आपको पता है कि 4 तो प्रोवाइड करना ही है, तो आप 4 से पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। जब 4 नहीं हो पाएगा तो आप बार धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जब यहाँ पे डायग्राम आपका फाइनल हो जाएगा कि यहाँ कितना बार प्रोवाइड करना है, फिर आप देखेंगे कि वो उस उतने नंबर ऑफ बार्स को जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक बार का एरिया पता चल जाएगा, उससे बड़ा वाला जो आपका रिक्वायर्ड आएगा वही आपका एनफोर्समेंट होगा। अब इसमें देखिए 400 वाले साइड में ये आउटर वाला डिस्टेंस कितना है, कवर है 40, इधर भी ये बाहर वाला डिस्टेंस कितना है 40, तो 80 माइनस कर दिए, रिमेनिंग बचा 320। अब आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि आप 20 mm का अगर दे रहे हैं या 25, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 20 एज्यूम करते हैं, तो 20 और 20 का ये फुल बार है, तो ये 40 माइनस करेंगे तभी तो हमारे ये इस रेनफोर्समेंट के अंदर से लेके इस रेनफोर्समेंट के अंदर तक का ये क्लियर डिस्टेंस आपको पता चलेगा। तो आपका 40 40 80 माइनस हो गया, 20 20 40 माइनस हो गया, 400 में जब आप 120 माइनस किए तो ये रिमेनिंग स्पेसिंग आया आपका 280 mm। अब ये 280 क्या है, 300 mm से कम है, इसका मतलब है कि ये 400 वाले साइड में दो बार और दो बार ये आपका एडजस्ट हो सकता है, इसमें आपको बार नहीं बढ़ाना है। अब 550 वाले साइड में देखिए, 550 में आपको ये वाला स्पेसिंग है 40, ये वाला स्पेसिंग है 40, 80 mm हो गया, ये हम लोग 20 और 20 एज्यूम कर ही चुके थे, तो 120 माइनस करेंगे तो 550 में जब आप 120 माइनस कीजिएगा तो ये आपको आएगा 430 mm। तो 430 mm इस दो बार के बीच का स्पेसिंग होगा, क्लियर स्पेसिंग, तो ये वाला क्लॉज जो हो रहा है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट, पहले आप एक रेनफोर्समेंट बढ़ाएंगे, अब एक रेनफोर्समेंट जब बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि जब आपका आया है अभी 430, ये डिवाइड बाई 2 हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 2 होने का मतलब है कि ये 215 mm हो जाएगा। तो 215 mm जब ये स्पेसिंग आ रहा है तो ये लेस देन 300 mm है, इसका मतलब है कि यहाँ पे तीन बार आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अब आपको समझ में आ गया कि इस कॉलम में आपका मिनिमम, तो आईएस कोड कहता है कि रेक्टेंगल है तो 4 बार्स देना, मगर आपको स्पेसिंग के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो है वो आपको 6 रिक्वायर्ड हो रहा है। अब 6 रिक्वायर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप यहां पे देयरफॉर डाया ऑफ, या इस तरह से देयरफॉर एएससी ऑफ 1 बार रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1814.47 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि आपको 6 नंबर ऑफ बार्स तो देना ही देना है। आप चाहें तो इसको 8 कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 से कम नहीं कर सकते हैं। तो एज ए डिजाइन इंजीनियर आप तुरंत में 8 नहीं कर सकते, पहले आपको 6 में चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो 1814.47 डिवाइडेड बाई 6 आप करते हैं तो ये आ रहा है 302.41 mm स्क्वायर। अब ये किसका एरिया होता है, जब आप 20 का एरिया निकालेंगे पाई 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये होता है 314.15। मतलब अगर आप 20 mm का बार देते हैं 6, तो आपको एसी जो प्रोवाइडेड आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 1814 रिक्वायर्ड है और 1884 आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है 20 mm में। अब लेकिन क्या हो रहा है, ये बहुत ही नियर है, 1814 रिक्वायर्ड है और 1884 आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा भी मार्जिन आ गया, अगर एरर का कोई, इसमें कंक्रीट का ग्रेड अगर रिड्यूस हो गया या फिर आपका कवर प्रॉपरली नहीं हुआ, तो आपका ये वाला जो एएससी आप प्रोवाइड कर रहे हैं हो सकता है कि वो इससे कम हो जाएगा। तो जब इससे कम हो जाएगा तो ये आपको 5% का थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है, जितना रिक्वायर्ड आ रहा है उससे 5% बढ़ा करके आप प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब 1814 आ रहा है तो कम से कम आप 1914 से ज्यादा आप प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लोग 1814 का 1.05 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1904। मतलब आपको एएसटी इस तरह से प्रोवाइड करना है कि आपको एएसटी प्रोवाइडेड 1900 से ज्यादा का आए। अब आप 20 mm में नहीं कर सकते क्योंकि 1884 ही आएगा 20 mm का बार लेके, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको अज्यूम करेंगे 25 mm का। तो देयरफॉर प्रोवाइड 6 25 mm 5 बार्स, तो एएससी प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा, एएससी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 6 इंटू एक एरिया जो हम लोग 25 mm का एरिया कितना हो जाएगा 490.87 इज इक्वल टू 2945.24 mm स्क्वायर। अब ये देखिए, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप जब इसमें 20 से प्रोवाइड कर रहे थे तो 1884 आ रहा था, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड आप कर रहे हैं तो आपको 2945 आ रहा था। तो न्यूमेरिकल पर्पज में आप 20 प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आपको 1814 रिक्वायर्ड आया है, 1884 आपका प्रोवाइड हो सकता है 20 mm के बार से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 को ही प्रोवाइड करेंगे और इसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज में हम लोग 25 देंगे और इसमें हम लोग देंगे 20 का। तो 300 ये तो हम लोग का आ ही गया था कि ये 1884 आ जाएगा। अब इसमें आप और क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि आप 20 mm का बार्स को आप कर देते 8, लेकिन जब आप 8 कर देते तो एग्जामिनर 6 में इसको पास कर सकता है क्योंकि यहाँ 1884 आ रहा है। और अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे तो 1884 इज ग्रेटर देन 1814, जब ग्रेटर है तो आपका न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो सकता है। तो एग्जामिनर देखेगा कि मैक्सिमम 6 बार्स 20 mm के में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, इससे कम कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। आप अगर 16 का बार देंगे तो 16 का एरिया होता है 201, 6 बार प्रोवाइड देंगे तो 1200 mm स्क्वायर ही प्रोवाइड होगा। रिक्वायरमेंट कितना है 1814 का, इसका मतलब है 16 में तो पास नहीं हो रहा है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप ये 4 बार 20 का और ये 4 बार 16 का प्रोवाइड कर सकते थे, वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 बार 20 का देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1250 एरिया आएगा सिर्फ इस स्टील वाले से, और इसमें आएगा आपको 2400। हाँ, ये हो सकता था कि आप इसमें, सॉरी, आपको ये टोटल 6 बार था ना, तो आपको तीन ये वाला बार तो हम लोग प्रोवाइड नहीं किए थे ना, ये टोटल 6 बार था। अगर आप 4 बार प्रोवाइड कर देते 20 का तो एरिया हो जाता 315 × 4, मतलब 1260। इस दो बार का हो जाता 200 और 400, तो भी आपको पार नहीं होता, 1660 हो जाता। तो इसका मतलब है कि आपको ये 6 और 20 से ज्यादा ही प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको ये पार होगा। तो सबसे मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है ये आपको निकालना पड़ता है, ये अगर आप सबसे मिनिमम नहीं निकालिएगा तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स एटलीस्ट काट लेगा, क्योंकि आपसे बेस्ट सोल्यूशन कोई और स्टूडेंट दे रहा है, वो 620 बार्स दे रहा है, आप 625 बार्स दे रहे हैं, तो आपसे क्यों न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा, आपसे क्यों साइट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो कॉस्ट बचा रहा है। तो डिजाइन इंजीनियर का मतलब है जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा कि इससे बेस्ट सॉल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता है।
आप बार बढ़ा करके भी देख लिए, हाँ आप बार बढ़ा करके ये कर सकते थे कि आप ये 8 बार्स कर देते और ये 4 बार को आप 16 mm का और ये 4 बार को आप 20 mm का कर देते, तो AST कितना प्रोवाइड होता है, 2000 प्रोवाइड होता। तो जब 2000 भी तो देने की जरूरत नहीं है, 6 बार्स में ही 1884 हो जा रहा है, इसके बीच में और कोई वैल्यू है ही नहीं, 60 mm का तो 70 mm का तो गैप है, इसमें आप कोई एक बार का कम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन हुआ आपका। ये इतना समझाने का मतलब यही है कि इससे बेस्ट सॉल्यूशन आप में से कोई ना निकाल सके, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 6 बार 20 mm का, इनकेस अगर एग्जाम में डिले हो रहा हो नहीं कर सकेंगे आप 6.25 का भी लिख देंगे तो 6 में आपको 5 मार्क्स या 5.5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं कट होगा। बट एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको समझा रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सारा न्यूमेरिकल की और आप यहाँ रेनफोर्समेंट बढ़ा के प्रोवाइड कर दिए। अभी हम लोग 6.25 का दिए थे तो 2900 mm स्क्वायर आ रहा था, अब इसमें लोड 1500 क्या 2500 भी आप कर देते तो भी वो AST आपको सेटिस्फाई हो जाता। तो ये तो प्रॉपर इंजीनियरिंग हुआ नहीं, प्रॉपर डिजाइन हुआ नहीं, ये तो कोई भी लगा सकता था। जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बार का सारा बात कि आपको एरिया ऑफ AST कितना रिक्वायर्ड आ रहा है और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये AST रिक्वायर्ड 1814 था, AST प्रोवाइडेड 1884 है, देयरफॉर AST प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड। अब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपको, आपको स्पेसिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि आपको मैक्सिमम स्पेसिंग 300 था, आपको यहाँ पे निकाल करके लेकिन दिखाना पड़ेगा। जब भी हम लोग यहाँ ये सॉल्व करके निकाले ये रेनफोर्समेंट तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये जो डायग्राम हम लोग अभी बनाए हैं, ये डायग्राम आपको ये 6 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने के बाद आपको दिखाना है, मतलब कॉपी में तो आपको बना हुआ रहेगा। तो ये आपको अब यहाँ पे ये डायग्राम रहेगा और यहाँ पे आपको दिखाना है स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, क्योंकि अभी तो एग्जामिनर को नहीं पता है ना कि आप सॉल्व कर लिए इसको या नहीं कर लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब आप लेंगे पहले शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड का मतलब है कि 400 mm वाला, तो आपको टोटल स्पेसिंग कितना है 400 माइनस, आप यहां दिखा रहे हैं कि आप दो बार प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो दो बार प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो माइनस 2 × 40 का पहले कवर आप माइनस कीजिएगा, माइनस आप 20 mm का बार अभी यहां निकाल चुके हैं 6-20 का बार, इसका मतलब ये 20 ये 20 भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 2 × 20, तो स्पेसिंग आ जा रहा है आपको 40 और ये 80 और ये हो जा रहा है 40, तो 280 mm which is less than 300 mm, therefore okay, provide two bars in shorter direction, ठीक है। अब longer direction की बात करते हैं, longer direction इसमें आपको है 550 mm, तो 550 minus आप इसमें 3 bar provide कर रहे हैं तो आप देंगे यहाँ पे 2 × 40 आपका कवर माइनस होगा। आपको किसी भी दो बार के बीच का स्पेसिंग निकालना है तो आपको पहले ये सारा चीज माइनस करके टोटल ये स्पेसिंग निकालना होगा, ये वाला स्पेसिंग और ये वाला स्पेसिंग, ये दोनों स्पेसिंग आप टोटल निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो किसी भी दो बार के बीच का स्पेसिंग आ जाएगा। तो आपको क्या क्या माइनस करना होगा, 550 टोटल माइनस 2 आपका कवर हो जाएगा और माइनस 3 आपका 20 mm का बार हो जाएगा, तो ये कितना स्पेसिंग आएगा 40 × 80 और ये आएगा 60, 140 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 410 mm। अब 410 mm आया आपका यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, अब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 205 mm विच इज लेस देन 300 mm। यहां लिखेंगे आप स्पेसिंग ऑफ मेन लॉन्गिट्यूड, स्पेसिंग बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल बार्स, तो दो लॉन्गिट्यूडनल बार के स्पेसिंग यहाँ 280 mm आया, यहाँ पे 205 mm आया, दोनों 300 mm से लेस है, मतलब ये 6 वाला डायग्राम जो है आपका फाइनल हो गया। अब यही हुआ आपका मेन रेनफोर्समेंट। अब आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग दिखाएंगे और यहाँ दिखा देंगे कि 625, इससे समझ में आ जाएगा किसी भी इंजीनियर को कि ये कॉलम बनाना है 400 × 550 का, इसमें ये 6 बार्स प्रोवाइड करना है 20 mm का, और वो स्पेसिंग जो है वो साइड पे कैलकुलेट कर देगा कि क्योंकि ड्राइंग में बना रहता है कि कवर आपको इतना mm दिया हुआ है तो वो माइनस करके देख लेगा कि उसको बार्स कैसे एडजस्ट करना है। ये ड्राइंग में नहीं दिखाना पड़ता, कैलकुलेशन में नहीं दिखाना पड़ता है, आप यहाँ दिखा दिए कि 280 और 205 आ रहा है, आप डायग्राम में सिर्फ ये बना देंगे, साइड इंजीनियर कैलकुलेट कर लेता है कि ये दो बार्स के बीच का स्पेसिंग कितना हो रहा है, ये उसके प्लेसमेंट के लिए है, लेकिन वो आइडियल IS कोड को फॉलो कर रहा है नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। अब मेन बार आपका हो गया, अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे, नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोगों का ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब इसमें आप सबसे पहले डायमीटर ऑफ टाइज डिसाइड करेंगे,
तो डायमीटर ऑफ टाइज के लिए हम लोग दो क्लॉज पढ़े थे कि या तो आपको जो आपका मिनिमम आप मैक्सिमम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1/4 ऑफ द मैक्सिमम डाया, तो 5 mm और 6 mm, तो इसमें आपको 6 mm आ रहा है, इसका मतलब है कि डायमीटर ऑफ टाइज 6 mm ये आपका हो गया। अब आईएस कोड में क्योंकि आपको 6 mm दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपको 6 mm ही प्रोवाइड करना है, अदरवाइज ऐसे हम लोग अभी 6 mm नहीं प्रोवाइड करते, हम लोग 8 mm प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको क्योंकि 6 mm इसमें दिया हुआ है आईएस 456 में, तो इसके हिसाब से डायमीटर ऑफ टाइज जो है ये आपका 6 mm होगा। ये आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है क्योंकि 5 mm आ रहा था इसके हिसाब से, अगर आप 25 का दिए होते तो ये आपको आता 6.25, तो 6.25 का तो कोई बार आता नहीं है, नेक्स्ट आता है 8 mm का, तब आप प्रोवाइड करते 8 mm का, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपका 6 mm आपका डायमीटर ऑफ टाइज होगा। और स्पेसिंग हम लोग जानते हैं कि तीन कंडीशन था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब 400 mm, 16 × डाया ऑफ स्मॉलेस्ट डाया जो है तो वो हम लोगों का सेम ही डाया ले रहे हैं 20 का ही, तो 20 हो जाएगा, तो 400 mm ये हो गया 16 × 20 320 mm, और थर्ड था आपका 300 mm। इसका मतलब है कि टाइज का जो स्पेसिंग होगा वो इन तीनों का मिनिमम होता है, इसका मतलब है कि स्पेसिंग ऑफ टाइज ये हो गया आपको 300 mm, ठीक है, ये तीनों में से मिनिमम लेना था, तो 300 mm हो गया, डायमीटर हो गया 6 mm। तो अब आप इसका एक लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से प्रोफाइल बनाएंगे, इसमें आपका ये मेन बार दिखेगा, इसको यहां से कंटिन्यूटी दिखाएंगे, क्योंकि आप इसका कहीं से भी एक सेक्शन लीजिएगा इस तरह से, तो आपको ये बार दिखेगा, इसके पीछे वाला बार नहीं पता चलेगा, और ये बार दिखेगा, इसके पीछे वाला नहीं पता चलेगा, तो ये बार इस तरह से कंटिन्यूटी दिखेगा, और इसको आप कॉलिंग करेंगे यहां से इस तरह से 625, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल बार, हम आपको अलग कलर से बना देते हैं। इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है टाइज, तो जब टाइज प्रोवाइड करना है तो टाइज का जो ये स्पेसिंग है ये अभी आप निकाल लिए हैं कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 300 mm होना चाहिए मैक्सिमम, अब आपको मैक्सिमम प्रोवाइड होना है तो आपको मैक्सिमम पता चल गया कि 300 mm, तो आप 300 mm ही प्रोवाइड कर दीजिए, इससे कम आपको प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी आप टाइज के लिए तो कोई कैलकुलेशन चेक कर नहीं रहे हैं, टाइज के लिए आपको जो आपको अर्थक्वेक फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीजें अभी आप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ये 300 mm आपका टाइज का स्पेसिंग हो जाएगा। आप चाहें तो अगर 300 mm मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ पे 280 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, 290 प्रोवाइड कर सकते हैं तो 290 प्रोवाइड कर दीजिए, और ये आपका इसका आप लिख देंगे ये इस तरह से कॉलिंग दे करके, ये आ जाएगा आपका 6 mm, 5 मतलब 6 mm का आपका डायमीटर है और 280 mm 290 mm इसका स्पेसिंग है। ये हो गया आपके एक कॉलम का टोटल रेनफोर्समेंट, ये आ गया आपका टाइज भी आ गया, आपको ये प्लान में भी दिखा देना पड़ेगा, इसको इस तरह से हुक दिखा देंगे और इसको दिखा देंगे 6 mm 5 @290 mm या 300 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर मतलब है कि एक बार से दूसरे बार के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 जिसमें आपके कॉलम का साइज प्रोवाइडेड था। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं डिजाइन का, उसमें हम लोगों का कॉलम का साइज नहीं प्रोवाइडेड होगा, उसमें स्टेप्स स्टार्टिंग का कुछ चेंज हो जाएगा बाकी सारा आपका सेम रहेगा, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 में आए आपको एक चेक छूट गया क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों को मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील भी आपको चेक करना था। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपको पता है कि 0.8% देते हैं और मैक्सिमम जो आप दे सकते हैं वो आपका 4% दे सकते हैं, तो आपका जब AST प्रोवाइडेड जो आप कर रहे थे AST प्रोवाइडेड ये हो रहा था 1884.9 mm², तो आपको पहले चेक करना होगा कि ये आपको कितना परसेंटेज है, तो हम लोग को पता है कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है PT का AST/BD, तो AST कितना है 1884.9 mm² डिवाइडेड बाई B है आपका, सॉरी ये B और ये D, तो B है आपका 400/550, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं 400/550, तो ये आपको आ जाना है 0.856%, तो आपका ये 0.856 क्या है ग्रेटर देन 0.8% है, इसका मतलब है कि आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील से ज्यादा का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं और लेस देन 4% है, मतलब आपका 0.8 is less than 0.856 is less than 4%,
तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, 0.8 से 4 के बीच में आपका ये स्टील प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए आपका ये चेक भी जो है ये ओके है। आपको ये भी कई बार देख लेना पड़ता है कि आपको जो ESG प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो दे रहे हैं, लेकिन आपका हो सकता है कि कॉलम का साइज ऐसा हो कि आपका मिनिमम जो आपका 0.8% इससे कम स्टील हो रहा होगा, तो आपको ये चेक दे सकता है एग्जाम में कि छोटा सा एक कैच दे देगा कि स्टील जो आप प्रोवाइड करेंगे वो आपका 0.78% ही होगा। तो आपको वहां दिखाना पड़ेगा कि 0.8 से लेस हो रहा है इसलिए मिनिमम स्टील हम लोग देंगे 0.8, फिर आप इसका दिखाएंगे कि ESG जो आप प्रोवाइड करेंगे वो 0.8 × BD करेंगे, ये B हो जाएगा, ये D हो जाएगा, वो जितना ESG आएगा उतना आप प्रोवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे आपका वैल्यू जो है आपका अगर कम आ जाता है उस केस में, ठीक है। ये वाला चेक आपका बस लास्ट वाले क्वेश्चन में छूट गया है, ये चीज आप वहां पे इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जहां पे आप स्टील प्रोवाइड किए थे उसके बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है डिजाइन रेक्टेंगुलर कॉलम सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 3000 kN अंडर डेड लोड एंड लाइव लोड केस। The column is effectively held in position and restrained against rotation at one end and effectively restrained against rotation but not held in position at the other end and is having an unsupported length of 3.2 meter. Use MQT and FE415. अब क्वेश्चन आपको कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉलम डिजाइन करने के लिए, साइज इस बार नहीं बताया है, लोड बता दिया 3000 kN अंडर डेड लोड एंड लाइव लोड। अब डेड लोड एंड लाइव लोड लिखा है, ये तो नहीं लिखा है कि फैक्टर्ड है, तो ये अभी भी आपका अनफैक्टर्ड होगा। लास्ट वाले में क्या लिखा था सर्विस लोड, इस वाले में क्या लिखा है डेड लोड एंड लाइव लोड, तो डेड लोड एंड लाइव लोड डायरेक्ट है तो है ना, आपको फैक्टर तो अभी आप किए नहीं है, इसमें तो कहीं बता नहीं रहा है कि फैक्टर है, तो ये आपका हो गया सिर्फ सिंगल पी, पीयू नहीं होगा। उसके बाद आपको इफेक्टिव लेंथ इस वाले क्वेश्चन में नहीं देकर के आपको कंडीशन बता दिया है, हम ये वाला कंडीशन इसलिए लिए हैं क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इफेक्टिव लेंथ दे दे, लेकिन अगर नहीं दे तो आपको ये सारा कंडीशन पढ़ के आपको पहले डायग्राम इमेजिन करना है कि ये आपका कॉलम है, इसमें कह रहा है कि आपका एक साइड जो है ये आपका रोटेशन फिक्स नहीं है, तो जब भी रोटेशन फिक्स नहीं होगा तो हम लोग उसको ब्लॉक से दिखाते हैं, जब आपका मूवमेंट आपका फिक्स नहीं होगा तो हम लोग उसको ब्लॉक से दिखाते हैं, क्योंकि यही वाला ब्लॉक घसक करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे सब चीज फिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये आपका यहाँ कहीं आएगा और यहाँ से ये आपको फिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला केस हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो आपका एल इफेक्टिव हो जाता है ये आपको हो जाता है 1.2 और अनसपोर्टेड लेंथ, तो आपको वन अनसपोर्टेड लेंथ दिया हुआ है, 1.2 फैक्टर आपको ये निकालना था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल लेंथ आपको मिल जाएगा जो इफेक्टिव लेंथ आपका आएगा। अब ये हो गया आपका इफेक्टिव लेंथ 1.2 × 3.2, उसके बाद आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब आपको साइज नहीं दिया हुआ है कॉलम का, साइज नहीं दिया हुआ है तो आपको एक चीज पता है कि PU इज इक्वल टू, आपको अभी हम लोग मान के चलते कि एसिडिसिटी आपको आ रहा है तो 0.4 AC अब आपको यहाँ AC नहीं पता है क्योंकि आपको एरिया ऑफ कंक्रीट भी नहीं पता और आपको AG भी अब नहीं पता चलेगा क्योंकि आप AC को क्या कर सकते थे, AC इज इक्वल टू AG माइनस AC कर देते, आपको AG भी तो नहीं पता है, तो अब आपका ये वाला न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्मुला में प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को पता है कि मिनिमम जो हम लोगों का परसेंटेज ऑफ स्टील है ये कितना है 0.8%, मैक्सिमम हम लोगों का होता है 4%, तो कितना लोड के हिसाब से रिक्वायर्ड रहेगा वो तो हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग यहाँ करते हैं सबसे पहले एज्यूम कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम हम लोग क्या करते हैं, जनरल जो आपका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी भी आप बुक्स में देखेंगे वो होता है आपका 1% आप एज्यूम करते हैं, 1% ऑफ BD PT यही होता है, परसेंटेज जो आता है वो आपको एरिया में होता है, तो 1% ऑफ BD आप एज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप 1% आप एज्यूम कर लिए कि आप AC प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉन्क्रीट आपको कितना आ गया 0.99 ऑफ आपको AG, क्योंकि आपका टोटल ग्रॉस का 1% तो आपको 0.01 तो आपको स्टील है, तो AC कितना आ गया 0.99 ऑफ AG, ठीक है। अब आपको ये वाला एक वैल्यू मिल गया और AC हो गया आपका 0.01 ऑफ AG, मतलब अब अगर आप AC की जगह पे ये पुट कर देंगे जो आप एज्यूम किए हैं, एज्यूम है ये 1%, तो 1% मतलब 0.01 ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसमें आप जो रिमेनिंग रह गया वो आ गया 0.99 ऑफ AG, तो अब आप AC और AC को यहाँ चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 FCK, उसके बाद AC की जगह पे आ जाएगा 0.99 AG प्लस 0.67 FY और AC की जगह पे आ जाएगा 0.01 AG। अब ये पूरा फॉर्मूला आपका क्या हो गया, चेंज हो गया AG के टर्म में, तो आप यहां से निकाल लेंगे AG, और जब AG निकाल लेंगे तो आपको उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉलम डिसाइड करना है, आप उसका साइज डिसाइड कर लेंगे।
ये होगा आपका इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। एक बार ये चीज आप कर लेते हैं तो बाकी सारा स्टेप आपका सिमिलर होगा, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का ये स्टेप हो गया, ये स्टेप में आपको ये फाइनल हो गया। अब आप यहां से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इससे अब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक आपका सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया था, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन कंडीशन, इसमें आपको है पी इजिकल टू 3000 किलो न्यूटन, आपको इफेक्टिव लैंडिंग पोजीशन, तो इसका मतलब है कि एल जो है ये आपका है 3.2 मीटर, और हम लोग एल इफेक्टिव इस कंडीशन से समझते हुए निकाल लिए कि 1.2 इंटू 3.2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.84 मीटर। अब ये हो गया आपका इफेक्टिव स्पैन, और आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, M20 दिया हुआ है, ये यहां लिख देंगे M20 एंड Fe415। अब आपको सबसे पहला चेक क्या होता था कि आपको सबसे पहले तो आप P को निकालते थे, PU निकालते थे, तो 1.5 इंटू 3000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4500 किलो न्यूटन, ये आपका निकल गया। अब सबसे पहला जो आपका स्टेप था वो था आपका स्लेंडरनेस रेशियो चेक करना, लेकिन अभी आप स्लेंडरनेस रेशियो नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि आपको साइज नहीं पता है। तो साइज नहीं पता तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टू डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम, ये आपका पहला स्टेप होगा। अब इसमें आप यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, पीयू इज इक्वल टू 0.4 एफसीके एसी प्लस 0.67 एफवाई एएससी। अब इसमें हम लोग ये चीज पहले ही निकाल चुके थे कि 0.4 एफसीके 0.01। अच्छा, या आपको अभी यहां पे दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा तो आप यहां पे दिखाएंगे एज्यूमिंग 1% स्टील इन कॉलम ऑफ ग्रॉस साइज एजी ग्रॉस साइज होगा उस पे का आप 1% स्टील आप एज्यूम कर रहे हैं, तो देयरफॉर एसी इज इक्वल टू 0.01 ऑफ एजी, देयरफॉर एसी इज इक्वल टू 0.99 ऑफ एजी। अब आप यहां पे लिखेंगे सिंस पीयू इज इक्वल टू 0.4 एफसीके एसी प्लस 0.67 एफवाई एसी। अब आप इसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे, 0.4 इंटू 20 इंटू एसी क्या आ रहा है 0.99 इंटू एजी, ये हो गया पहला टर्म, और दूसरा टर्म है आपका 0.67 इंटू एफवाई 415 इंटू एसी क्या आ रहा था 0.01 ऑफ एजी। अब आप इस पूरे पीयू क्या आ रहा था आपका 3,4500 किलो न्यूटन, तो 4500 इंटू 10 रेस्ट ऑफ पावर 3। अब ये दोनों टर्म क्या होगा, ये आपका एजी में ऐड हो जाएगा, तो आप एजी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4500 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 10.70 एजी, इससे आपको एजी निकाल करके आ जाएगा, तो एजी हो जाएगा आपको 4500 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाय 10.7, तो ये आपका आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 10.7, यह रहा 420,560.75 mm². अब ये आपका रहा है ग्रॉस एरिया का रिक्वायरमेंट, ग्रॉस एरिया क्या हो रहा है आपका जो कॉलम का कंप्लीट आपका साइज है बी इंटू डी। अब आपका स्क्वायर कॉलम अगर आपको एग्जाम में कहेगा इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि स्क्वायर कॉलम डिजाइन कीजिए, तो आप इसको अंडर रूट करते आपको साइज का पता चल जाता, उससे थोड़ा बढ़ा करके आप साइज प्रोवाइड कर देते। अब एग्जाम में पूछ रहे हैं हम जानबूझ के क्या किए रेक्टेंगुलर क्वेश्चन लिए, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है आपका आसानी से। अब आपको रेक्टेंगुलर जब लेना होगा तो आप यहाँ पे बी और डी ये कैसे एज्यूम करेंगे, तो इसमें आपको यूज आएगा आपका स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है कि आपको अब यहाँ पे अभी साइड आपको चूज करना है बी और डी, अभी आपको पता नहीं है, तो देयरफॉर एल इफेक्टिव बाय डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, शॉर्ट कॉलम क्योंकि क्वेश्चन में है, शॉर्ट कॉलम आपको डिजाइन करना है, तो शॉर्ट कॉलम का मतलब कि जो भी आप डी दीजिए वो 12 से आपके इसका रेशियो ये 12 से कम आना चाहिए। इसका मतलब है कि एल इफेक्टिव बाई 12 भी अगर आप कीजिएगा तो आपको वो डी रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, इतना मिनिमम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये 12 से एक्सीड कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो एल इफेक्टिव बाई 12 कर लेते हैं, एल इफेक्टिव कितना था आपका 3.2 इंटू 1.2, ये था आपको 3.84, तो 3840 डिवाइडेड बाय 12
ये आ रहा है 320 mm। इसका मतलब है कि 320 अगर आप इससे कम प्रोवाइड करेंगे 320 से, तो आपका ये कॉलम जो होगा ये सिलेंडर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये लॉजिक जो इस क्वेश्चन में शॉर्ट कॉलम का रिजल्ट करना है ये फेल हो जाएगा। तो मिनिमम 320 आपको देना है, तो आप क्या कर लीजिए कि इसको इंक्रीज करके लिख दीजिए, देयरफॉर प्रोवाइड। अब आप कितना इंक्रीज करेंगे, ये आ रहा है 420560। अब आप ये देखिए 420560.75 डिवाइडेड बाई, जब आप एक साइड का 320 के बाद आप क्या रखते 400 रखते, अगर आप 400 करेंगे तो ये आपको आ रहा है 1051 mm का दूसरा वाला साइड रिक्वायर्ड आ रहा है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ही रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ये 400 ये आपका 1051 का मतलब है 1100। तो हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा के 500 एज्यूम कर लेते हैं। जब हम लोग इसको 500 एज्यूम कर लेंगे तो 420560.75 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो ये आ रहा है रिक्वायर्ड 841। इसका मतलब है कि दूसरे वाले साइड को हम लोग 900 mm रख सकते हैं, तो हम लोग का कॉलम का साइज आ गया 500 mm/900। हम लोग जब इसका AG, अब यहां देखिए ये AG प्रोवाइडेड जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 500/900=45000 mm² विच इज ग्रेटर देन 420560 mm². आपको AG रिक्वायर्ड ये आ रहा था, आप एक एज्यूम किए कि पहला वाला साइड हम लोग लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो है ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये जैसे ही एज्यूम कर लेंगे तो ये हम लोगों का 12 से इससे ज्यादा आना चाहिए था, तो 320 से ज्यादा आना चाहिए था। इसका मतलब है कि हम लोग अगर 500 प्रोवाइड करते हैं तो दूसरा वाला साइड 900 देंगे। आप में से कोई हो सकता है इसको 400 प्रोवाइड करेगा तो ये 1100 हो जाएगा। यहां पे आप सबका अलग अलग हो सकता है, हम सिर्फ इसको रेक्टेंगुलर बनाने के लिए कि बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर ना हो जाए तो हम इसको 500/900 ले लिए। आप 550 लेंगे तो यहाँ 850 हो जाएगा। ऐसे करके आपका इससे डिवाइड करना है आपको एक साइड को, और आपको दूसरा साइड का लेंथ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा साइज जो है वो 500/900 है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें आप कुछ भी साइज ले सकते हैं, बस रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये मेरा साइज फाइनल हो गया, अब एजी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि हम लोग कॉलम का साइज जब फाइनल कर लिए 500/900, तो हम लोगों को अब स्लेंडरनेस रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो आपको एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी से भी आप चेक करेंगे और एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आप बी से भी चेक करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा कहीं से सिलेंडर ना हो जाए। तो एल इफेक्टिव आपका आया था 3840 डिवाइडेड बाई डी आपका मेरा हो गया इसमें 500 और यहाँ हो जाएगा 3840 डिवाइडेड बाई 900। ये रेशियो आ जाएगा आपको 3840 डिवाइडेड बाई 500, ये आ रहा है 7.68 विच इज लेस देन 12 और ये ऑब्वियसली आपको कम ही आएगा, फिर भी आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ये आ रहा है 4.26। तो ये भी आपका लेस देन 12 है, देयरफॉर द कॉलम साइज द कॉलम इज ए शॉर्ट कॉलम। यहां से आपका अब स्टेप जो है ये अब आपका कॉमन हो गया। अब इसके आगे आपको सेम इसी तरह से कैलकुलेट करते चलना है जो हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए, कि आपका शॉर्ट कॉलम आपका डिसाइड हो गया है, कॉलम का साइज 500/900 भी आपका डिसाइड हो गया है। अब ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, इसेंट्रिसिटी, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। तो आपका हो जाएगा, पहले हम लोग एक्स के केस में करते हैं, ई एक्स मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा एल बाई 500 प्लस डी बाई 30, तो ये हो जाएगा एल है आपको 3840 डिवाइडेड बाई 500 प्लस डी है आपका 500 डिवाइडेड बाई 30, ये वैल्यू आ जाएगा और 20 mm। फिर आपका दूसरा वाला साइड आ जाएगा ई वाई मिनिमम, ये आ जाएगा एल बाई 500 प्लस बी बाई 30, ये हो जाएगा 3840, ये तो सेम रहेगा डिवाइडेड बाई 500 प्लस बी हो जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाई 30, ये वैल्यू और 20 mm। अब इस दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं 0.34 और इसका दूसरा आपको क्या था 20 mm, तो ऑब्वियसली आपका ये हो गया आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी और इस वाले केस में आपका ये आ रहा है आपको 37.68 mm, ये आ रहा है ये mm। अब आपका अब आपको ई मैक्स चेक करना होगा, तो ई एक्स मैक्स ये होगा 0.05 ऑफ 500 और ये हो जाएगा ई वाई में मैक्स 0.05 ऑफ 900, तो 500 का 0.05 क्या होगा, ये हो जाएगा 25
और 900 का हो जाएगा 45। अब आपका EX में कितना आ रहा था मिनिमम इसेंट्रिसिटी 24.34, तो देयरफॉर EX मिनिमम इज लेस देन EX मैक्सिमम, देयरफॉर ओके। और EX EY मिनिमम ये भी आपका लेस आ रहा है EY मैक्सिमम से, देयरफॉर ओके। तो देयरफॉर द कॉलम कैन बी डिजाइंड फॉर डिजाइंड एज एक्सियली लोडेड, और शॉर्ट कॉलम तो हम लोग निकाल ही चुके थे, शॉर्ट कॉलम। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज करेक्ट। अब हम लोग पहले ही, जब एजम्पशन वाज करेक्ट, हम लोग पहले ही फॉर्मूला ले चुके थे 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी, हम लोग पहले ले लिए थे। इसका मतलब है कि हम लोगों को बस ये साबित करना था कि हम लोग जो कॉलम ले रहे हैं ये एक्जली लोडेड शॉर्ट कॉलम है, और इसमें इसेंट्रिसिटी जीरो भी नहीं आ रहा है, कोई इसेंट्रिसिटी आ रहा है, ये हम लोग पहले ही अज्यूम कर लिए थे। लेकिन हम लोगों को ये चीज पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों को साइज उस समय फाइनल नहीं हुआ था। तो साइज फाइनल करके हम लोग ये चीज दिखा दिए कि हम लोगों का ये फाइनल इसेंट्रिसिटी है। इसका मतलब है कि अब आपका एक्जली लोडेड भी है, अब आपका शॉर्ट कॉलम भी है, अब इसमें आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इसमें डायरेक्टली सब कुछ पुट करके आप एसी निकाल सकते हैं। आपको बाबा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी। पी यू है आपका 4500 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 इक्वल टू 0.4 इंटू 20 इंटू ए सी हो जाएगा 500 बाई 900 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ए सी। ये ए सी ही आपको निकालना है, तो आप ए सी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4500 माइनस 0.4 इंटू 20 इंटू 500 बाई 900 डिवाइडेड बाई 0.67 इंटू 415। इसी से आपका ए सी निकलेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी आ रहा है 3236.82 mm स्क्वायर। अब आपका ये ए सी जो आ रहा है, ये ए सी कितना परसेंटेज है, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ए सी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ए एस टी बाई बी डी करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे ए एस टी बाई बी डी। तो ये क्या हो जाएगा 3236.82 डिवाइडेड बाई बी है आपका 500 बाई 900, तो ये आपको परसेंटेज में आ जाएगा 3236.82 डिवाइडेड बाई 500 आ रहा है आपको 0.719, मतलब 0.72 हम लोग लिख लेते हैं 0.72%। अब ये आपका रिक्वायरमेंट है 0.72%, लेकिन आपको पता है कि मिनिमम आपको 0.8% देना है, तो इसलिए आप यहां लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड मिनिमम 0.8% ऑफ स्टील। तो आप 0.8% ऑफ स्टील से प्रोवाइड कीजिएगा, तो 0.8% ऑफ व्हाट, बीडी हो जाएगा। तो आपका 0.8% ऑफ बीडी आपको निकाल लेना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 0.72% मांग रहा है, लेकिन प्रोवाइड आपको 0.73 आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0.8 तो आपको मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको मिनिमम निकालना है एएससी, एएससी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 0.8 ऑफ 500 बाई 900। तो ये हो जाएगा आपको 3600 mm स्क्वायर, ये टोटल ये परसेंटेज में, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 mm स्क्वायर। अब आपको 3600 mm स्क्वायर, ये आपका साइज है 900 का, और ये आपका साइज है 500 का, ये आप निकाले थे। अब आपको यहां से आपका फिर से वही सेम टास्क आएगा, 3600 mm स्क्वायर देना है, लेकिन पहले आपको निकालना होगा नंबर ऑफ बार्स कितना होगा। रेक्टेंगुलर है तो चार तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ये तो आपको ऐसे ही मिल गया, लेकिन अब आपको ये चेक करना होगा कि चार है तो पहले आप बी वाले साइड में आप चेक कर लीजिए कि आप कितना बार प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये 500 है तो मतलब दो बार तो नहीं होगा। अब आप पहले स्पेसिंग निकाल लीजिए कि स्पेसिंग कितना है, 40 एमएम का कवर मान लेते हैं इधर भी और इधर भी, तो आपका, और इसको हम लोग 20 एमएम का बार मान लेते हैं, तो दो 20 एमएम का बार माइनस कर देते हैं, तो 40 इंटू 2 और प्लस आपका 20 इंटू 2 40, आप 120 माइनस करेंगे 500 में से, तो रिमेनिंग आपको ये वाला क्लियर डिस्टेंस रह जाएगा, तो 500 माइनस 120 कितना हो जाएगा 380। अब आपको मैक्सिमम स्पेसिंग कितना अलाउड है, 300 अलाउड है, मतलब है कि इधर अगर आप सिर्फ दो बार, एक बार प्रोवाइड कर देंगे
तो आपका ये वाला जो स्पेसिंग है ये 380 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये निकला था 380 तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपको 190 के आसपास एक ओवर 90 का एक निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीन बार तो लगेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया। अब आपको ये 900 वाला साइड है, इधर भी आपका सेम प्रॉब्लम है, तो आप पहले ये निकालिए कि टॉप एंड बॉटम में जब बार दे रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है रिक्वायरमेंट, तो ये आ रहा है 900 - 80 - 40, आपको 780 का ये स्पेसिंग आ रहा है। आप डिवाइड बाई 300 कीजिएगा तो आपको 2.6, मतलब आपको इसमें तीन पार्ट्स बनाना पड़ेगा, तो आपको पहले एक ये देना बार पड़ेगा और एक ये देना पड़ेगा। आप इसको पहले भी ऐसे ही चार बार पुट करके चेक कर सकते हैं, पहले आप इसको तीन बार पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ये स्पेसिंग जो है ये आपका 300 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब ये चार बार लगा के अब आप इसको चेक कीजिए, तो 900 माइनस ये चार बार का कितना हो जाएगा 80, माइनस आपको दो कवर हो जाएगा तो 80 रिमेनिंग आया कितना, ये और ये तीन डिस्टेंस मिलाकर के 740 है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक स्पेसिंग आपको 246 आ रहा है इस बार के सेंटर से यहां तक। इस 246 में भी ये हाफ 10 माइनस कर दीजिए तो ये स्पेसिंग आ रहा है 236 mm का। तो अब ये भी आपको सेटिस्फाई हो गया, 300 से कम आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको टोटल नंबर ऑफ बार जो होगा वो आपको होगा इधर 4, 4, 8 और 2, 10, इससे कम बार आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, नहीं तो आपका स्पेसिंग वाला जो कंडीशन था जो 300 mm मैक्सिमम है वो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे तो 10 बार्स फाइनल हो गया, तो आपको 10 बार्स प्रोवाइड करना है 3600 में, तो आपको एक बार का जो एरिया है वो 360 होना चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि 20 mm का एरिया 315 है, इसके बाद सीधा 25 आता है जिसका 490 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चार को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे 25 mm का, और ये जो 8 बार्स रिमेनिंग आपका, सॉरी 6 बार्स रह गया, इस 6 को हम लोग कर देंगे 20 का, तो 4 हम लोग 25 का करेंगे, तो प्लस आपको 6 हम लोग कर देंगे 315 का, तो 2905 अभी भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को टोटल बार जो है 25 का ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और सिर्फ आप ये, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3, 3, 6 बार को आप 25 का दे दीजिए और 4 बार को आप 20 का दे दीजिए, तो 25 का एरिया होता है 490, तो 490 into 6 प्लस आपका 315 into 4, हाँ इस तरह से सेटिस्फाई हो सकता है। आप इस तरह से दे सकते हैं 6, 25 और 4, 20, या नहीं तो आप दे सकते हैं 10, 25, 5 का। तो जब 10, 25, 5 का दीजिएगा, यहाँ कोई 6, 25, 5 का दे रहा है तो चार बार में तो वो रिड्यूस कर ले रहा है, 25 mm नहीं देगा कि वो 20 mm दे रहा है, तो ये होगा आपका कॉस्ट सेविंग, तो ये आपका फाइनल होगा। देयरफॉर प्रोवाइड 625 5 + 425 bars, ठीक है। तो अब आपका ये वाला हो गया फाइनल रेनफोर्समेंट, 10 नंबर ऑफ बार तो फाइनल हो गया था, लेकिन 10 नंबर ऑफ बार में आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि 10 और 25 का देंगे तो वो एरिया हो जाएगा आपको 4900 mm square, अब आपके रिक्वायरमेंट है 3600 का ही। अभी आप क्या कर रहे हैं, 6, 25 का और 4, 20 का दे रहे हैं, तो अब आप यहां लिखिए ASC provided इज इक्वल टू एक एरिया का 25 mm का कितना होता है, पाई इंटू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये होता है आपको 490.87 प्लस 4 × 314.15, ये टोटल आपको आ जाएगा 4201.84 mm square। ये एसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे कम और आप इसलिए नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि फिर आपको क्या करना होगा कि ये तीन बार जो है ये आप दे रहे हैं 25 का, तो आप यहां मार्किंग देंगे 3255, फिर बॉटम में भी आप यहां मार्किंग देंगे 3255, तो ये 3 और 3 6 बार हो गया। अब इस चार बार में आप एक बार को अलग डाया एक बार को अलग डाया नहीं दे सकते हैं, ये सारे बीच के बार से एक डायमीटर के रहेंगे, ये कॉर्नर्स वाले बार जो ये एक डायमीटर के रहेंगे। अब इसमें ये एक बार जो आ रहा था तो आप इस तीनों को एक डायमीटर का बना सकते हैं, इस तीनों को भी एक डायमीटर का बना सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इस चारों को एक डायमीटर का बनाते, इस चारों को एक डायमीटर का बनाते, ये दोनों आपको स्मॉलर रहते। आपको एक पैटर्न में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ये नहीं कि आप ये 25 का कर दिए, ये 20 कर दिए, ये 16 कर दिए, फिर ये 25 कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉर्नर्स या तो 25 है तो कॉर्नर्स 25 रहेंगे, बीच वाले सारे 20 रहेंगे, तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो हम लोग कॉर्नर्स का चारों को तो 25 कर दिए, इन दोनों को भी 25 कर दिए, क्योंकि ये सिमेट्री मेंटेन हो रहा है ना, इधर 25 दे रहे हैं टॉप में तो इधर 25 भी दे रहे हैं बॉटम में,
और इधर वाला को सिमेट्री कर दिए, ये दो बीस का है तो ये दो बीस का कर दिए, तो सिमेट्री मेंटेन करते हुए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन और ये हो सकता था कि आप 6-25 प्रोवाइड करने के बाद 4-16 प्रोवाइड कर सकते थे, तो 4-16 प्रोवाइड कर देते तो कितना हो जाता, 1-16 का 201 होता है, तो ये हो जाता आपको 804 प्लस 2900, ये अभी आपको सेटिस्फाई हो सकता था। तो आप यहाँ पे 4-16 का प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट, इससे कम और नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा 201। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लीजिए, 490.87 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 201, ये आ रहा है आपका प्रोवाइडेड 3749। तो 4200 से ज्यादा अच्छा हो गया कि 3749.22 mm² प्रोवाइड हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एएससी रिक्वायर्ड 3600 था, प्रोवाइडेड 3749.22 था, तो आपका 625 हो गया। और ये जो चार बार है ये, इसको इस तरह से हम लोग मार्किंग करके लिख देते हैं, 4-16-5, ये हो गया आपका फाइनल लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। ठीक है, अब आपको इसको मिनिमम 0.8% से इसलिए नहीं चेक करना है क्योंकि 0.8% से चेक करके ही तो आपका एरिया रिक्वायर्ड आया था, हम लोग यहाँ निकाले थे प्रोवाइड मिनिमम 0.8% ऑफ स्टील, इससे आया था 3600। अब आप 3600 से ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 0.8 से आप ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका 0.8% वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए अब आपको इसके आगे स्टील का जो स्पेसिंग अभी हम लोग चेक किए थे वो आप दोबारा नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधा टाइज में। टाइज में क्या होगा, स्पेसिंग सबसे पहले हमको डायमीटर निकालना है, डाया ऑफ टाइज, इसका दो कंडीशन होता है, 1/4 ऑफ मैक्सिमम डाया, तो मैक्सिमम डाया हम लोग क्या लिए, 25 और 6 mm, तो 25 का 1/4 क्या होगा, 6.25 और 6 mm, तो 6.25 ही ज्यादा हुआ। अब 6.25 के का कोई बार नहीं आता है तो हम लोग लिखेंगे 8 mm, तो ये हो गया हम लोगों का डायमीटर ऑफ बार। अब स्पेसिंग की बात करते हैं, स्पेसिंग पे जब आएंगे तो स्पेसिंग हो जाएगा आपको लीस्ट लेटरल डायमेंशन 500 mm, दूसरा 16 इंटू लीस्ट डायमीटर, तो 16 इंटू 16 है तो 16 इंटू 16 हो जाएगा आपको 256 आई गेस, हाँ 256 mm, और तीसरा है आपको 300 mm, तो इसका मतलब है कि 256 आपका मिनिमम स्पेसिंग है, तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, 256 तो नहीं दे सकते हैं, थोड़ा कम देंगे ना, क्योंकि 6 तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते ना स्पेसिंग, राउंड फिगर में देंगे, तो आप प्रोवाइड करेंगे 250 mm, इससे कम का कोई राउंड फिगर है नहीं, तो ये आपका मिनिमम स्पेसिंग हो गया, मतलब इससे ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं देंगे, तो देयरफॉर प्रोवाइड टाइज ऑफ 8 mm फाइल, 8 mm डायमीटर एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि आपका रेनफोर्समेंट भी निकल गया था और आपका टाइज भी निकल गया। टाइज में आपको और कोई चीज चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्पेसिंग भी चेक कर लिए और आप डायमीटर भी चेक कर लिए, लॉन्गिट्यूडनल बार में आप एएससी चेक कर लिए थे और स्पेसिंग आपको यहाँ से सेटिस्फाई हो ही गया था। हाँ, स्पेसिंग का कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट का कि आपका टोटल जो मैक्सिमम स्पेसिंग लॉन्गर साइड में आ रहा है और शॉर्टर साइड में आ रहा है, वो वाला आप इसके नीचे यहाँ पे चेक करके दिखा दीजिएगा। तो ये दो वाला जो न्यूमेरिकल है, ये दोनों हुआ आपको कॉलम डिजाइन का न्यूमेरिकल, इसमें आपको एक में हम लोग साइज लिए थे और एक में कॉलम का साइज खुद से निकालना पड़ा था। तो ये दोनों टाइप जो है आपको एग्जाम में ये दोनों टाइप्स पूछ सकता है या दो टाइप्स पूछ सकता है आपको, जो आपका लोड कैपेसिटी निकालने का कि मैक्सिमम लोड फैक्टर्ड, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वर्किंग लोड कितना ये कैरी कर सकता है, तो पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे लोड, उसके बाद डिवाइड बाय 1.5 कर देंगे, तो वो दोनों क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में अब नहीं करेंगे, आज का क्लास बहुत लेंदी हो गया है, नेक्स्ट वाले क्लास में जो कल होगा इसमें हम लोग जो रिमेनिंग दो न्यूमेरिकल्स हैं और जो थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट आपको बचे होंगे कॉलम में, वो सारा हम लोग नेक्स्ट कल वाले क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास को सिर्फ यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स ही आज का रहेगा, कल फिर आपको न्यूमेरिकल्स का क्लास चलेगा कॉलम का, और कल आपका कॉलम का जो पोर्शन होगा आपकी यूनिट नंबर 8 का, वो कल के क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।